वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डेस्टिनी एडिक्यूअर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। केस स्टडी में सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, ये क्वेश्चन काफी लेंदी होगा, बट आपको घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, कोशिश जरूर करना। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि सृष्टि ने अपना जन्मदिन मनाया। सृष्टि प्लांट दैट दिस टाइम शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे इन अ स्मॉल ऑर्फन एज, मतलब अनाथालय में मनाएगी। हिंदी में भी यहाँ पे देख लो, अनाथालय में मनाएगी। ऑर्फन एज का मतलब होता है अनाथालय, ठीक है। सी बॉट एप्पल्स टू गिव चिल्ड्रेन, बच्चों को देने के लिए, एंड एडल्ट्स, एडल्ट्स को भी देने के लिए उसने क्या करता, एप्पल लिया, जिसमें से दो एप्पल आपको क्या करना है, हर चाइल्ड को दिया है सृष्टि ने, और तीन एप्पल एडल्ट को दिया है। ओके, टोटल कितने हैं, 60 एप्पल्स है। चलो अब ये देख लो कि चाइल्ड को क्या किया है उसने, कि चाइल्ड को, जितने भी चाइल्ड है उसको दो एप्पल दिया है, और जितने भी एडल्ट है उसे उसने तीन एप्पल दिया है। ओके, और दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 60। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये सॉल्व करना है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट सेट, टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक्स, हमने क्या करा, चिल्ड्रेन का क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये कितना हो गया, 2x। एंड द नंबर ऑफ एडल्ट वाई, तो तीन, उसको हमने तीन एप्पल दिया है तो 3y। द अबव सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर मुझे इसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन x है और x को कितने दिए, दो दो एप्पल दिए, और नंबर ऑफ एडल्ट y है और y को कितने दिए, तीन तीन एप्पल दिए, और दोनों का सम कितना है 60, तो ये वाला आंसर जो भी होगा वो सही होगा। कौन सा ऑप्शन है देख लो आप, 2x प्लस 3y, टू, ये है ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2x प्लस 3y। ओके, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 15 देन फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट, अब यहां पे क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू का 15 प्लस 3y इक्वल टू 60, 30 प्लस 3y इक्वल टू 60 कितना हो गया, 3y इक्वल टू 60 इधर चला जाएगा, माइनस का 30 हो गया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 अपॉन में 3 10, y की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो देख लो ऑप्शन कौन सा है 10 वाला, 10 मतलब ऑप्शन ए। थर्ड पार्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ एडल्ट इज 12, आपको क्या करना है, 2x प्लस का 3 इंटू का 12 इक्वल टू 60, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करना है, 2x प्लस 36 इक्वल टू 60, तो 2x इक्वल टू 60 माइनस का 36 कितना बच जाएगा, 24, 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू क्या हो गया 12, कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी एंड सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, x की वैल्यू क्या है, x क्या है हमारे पास माइनस का 5 है और y क्या है 2 है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 3x प्लस 5y इक्वल टू बी, ओके का, हाँ, इफ x इज माइनस 5 एंड y इज 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन वैल्यू ऑफ बी इज, अब वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस का 5 प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे क्या करना है आपको, 2 इक्वल टू बी, 5 थ्री जा 15 प्लस 5 टू जा 10 इक्वल टू बी, बी क्या हो गया माइनस का 5, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए फिफ्थ वाला पार्ट भी आ जाते हैं कि इसमें दे रखा है फिफ्थ वाले पार्ट में कि 4y माइनस एक्स इक्वल टू 5, ओके, इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में पहले लिखना है और उसके बाद हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो यहां पे आप अगर देखोगे तो सबसे पहले x वाला पार्ट है तो x वाले को पहले लिखो, तो यहां पे आप लिख लो माइनस का 1 और x, क्योंकि x के आगे कुछ भी नहीं कॉफिशियंट है तो हमने माइनस 1 लिख लिया, प्लस 4y, ये इसको भी आप इधर लेके जाओ तो माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो a क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई माइनस का 1, ऑप्शन b इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कह रहा है कि अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज अ साइड ऑफ 24 मीटर, ये 24 मीटर है, ये 32 मीटर है, एंड नेक्स्ट दिस वन इज अ 40 मीटर, अ गार्डनर हैज अ पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इन साइड, ठीक है, इसके अंदर क्या लगाना है, ग्रास लगाना है, अ 3 मीटर वाइड स्पेस फॉर अ गेट इज लेफ्ट, ये जो है ना यहाँ पे देखो 3 मीटर का जो है जगह छोड़ दिया गया है आने जाने के लिए,
ये वाला स्पेस क्या है, छोड़ दिया गया है आने जाने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज द सेमी पैरामीटर ऑफ द पार्क। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। ठीक है, ए मतलब 24 प्लस 32 और 40 अपॉन में टू, 96 अपॉन में टू डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 48 मीटर। ओके, फर्स्ट क्या होगा, 48 मीटर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द एरिया ऑफ, एरिया कैसे फाइंड करोगे आप, आपको लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला और वो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एरिया हमने लिख लिया एस इंटू, तो एस क्या है हमारे पास 48, ओके ओके, 48 माइनस ए, ए क्या है 24, 48 दूसरा क्या लिखोगे, 48 माइनस दूसरा साइड 32 एंड 48 माइनस 40। ओके, एरिया इक्वल टू 48, ओके, मल्टीप्लाई बाई 48 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 24, ओके, 48 में से 32 जाएगा तो कितना लिखोगे आप 16, इंटू 48 में से 40 जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो इसको 8। ठीक है, देखो इसको हमें कैसे फाइंड करना है, 48 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 24 लिख सकते हैं और यहां पे 24 है ही, 16 को कुछ भी नहीं करना है, 8 को क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखना है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है ये आप देखो, अब देखो 24 का पेयर बन गया बाहर लिख लो, ओके, इनटू 2 का पेयर भी बन गया ये भी बाहर लिख लो, 16 का क्या होगा 4 एंड 4 का पेयर, 4 का क्या लिखोगे बाहर 2। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, देखो 384 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 20 द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया आपका 384 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 एंड 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 3 6 और 7 7 6 8 0, बी ऑप्शन जो है वो सही है। फोर्थ वाला करते हैं कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्डेड वायर एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर। अब क्या करना है, ये वायर लगाना है यहां यहां यहां, इधर भी वायर लगाओगे, यहां भी वायर लगाओगे आप, यहां भी वायर लगाओगे, सब में वायर लगाओगे, लेकिन गेट को तो छोड़ दोगे ना, गेट को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा वायर लगाने के लिए, वहां पे तो वायर लगाओगे नहीं क्योंकि आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो पैरामीटर कितना है, पैरामीटर आप ऐड कर लोगे तो कितना होगा 24 प्लस 32 प्लस 40 है ना, उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना 3, तो कितना होगा ये 93 मीटर। ओके, अब क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्डेड वायर एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर। आप क्या करो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 2790। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द पार्क। देखो ये पार्क का सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉन हमने कर लिया, एल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री। एरिया का एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तब होता है जब एल्टीट्यूड गिवेन हो। और एरिया जब हमने निकाला है पार्क का, व्हाट इज द एरिया, 384 आया था, तो यहां पे आप लिख लो 384 इक्वल टू हाफ, बेस क्या है 24 इंटू हाइट फाइंड करना है तो 12, तो हाइट क्या हो जाएगा 384 अपॉन में 12, ठीक है 32 आंसर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन इतने लेंथी क्वेश्चन है कि मुझे दो दो पार्ट में करना पड़ रहा है। इन अ रूरल विलेज देयर वाज अ बिग इलेक्ट्रिक पोल पीसी, देखो पी किधर है, वेयर इज पी, ये वाला पी है और ये है पी, देखो ये पी है और ये सी इलेक्ट्रिक पोल है, एज शोन इन द फिगर, दिस पोल वाज टाइड विद अ स्ट्रॉन्ग वायर 10 मीटर लेंथ, वंस देयर वाज अ बिग स्पार्क ऑन द पोल, दस वायर गॉट डैमेज्ड वेरी बैडली, any small fault was usually repaired with the help of rope which the electrician carry on their bicycle। ठीक है, छोटे छोटे फॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, रोप से उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, दिस टाइम इलेक्ट्रिशियन नीड अ स्टेयर केस ऑफ 10 मीटर सो इट कैन रीच एट पॉइंट पी ऑन द पोल, द स्टेयर केस
मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो ये जो है ना, ये क्या है, स्टेयर केस है, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये सपोर्टिंग वायर है, ये कितने मीटर का है, 10 मीटर का वायर है, ठीक है। और क्या चाहिए उसको, 10 मीटर का स्टेयर केस भी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ही है, पीछे हमने जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी हिसाब से फिगर बना लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसी, देखो ये वाला पीएसी में ये वाला है, ये ट्रायंगल है, एंड पीबीसी ये वाला ट्रायंगल है, ये ठीक है। इन ट्रायंगल पीएसी एंड पीबीसी विच साइड इज कॉमन, देखो कॉमन तो आपको पता ही है, पीसी क्या है, दोनों में है, इधर वाले ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल में भी है और ये वाले ट्रायंगल में है, इट मीन्स कॉमन, पीसी इज कॉमन, ठीक है। दूसरा, इन फिगर ट्रायंगल पीएसी, ये देखो ये पीएसी ये वाला ट्रायंगल है, ओके, एंड पीबीसी दूसरा वाला ट्रायंगल है, आर कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू विच क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से दोनों क्या है आपस में इक्वल, देखो ये 90 डिग्री है, अगर मैंने ये क्राइटेरिया ले लिया RHS, इसका मतलब होता है एक होना चाहिए राइट एंगल, देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों हो गया। हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस 10 और ये हाइपोटेनस 10, दोनों इक्वल है, और साइड क्या है, पीसी इज अ साइड, कॉमन साइड, तो कौन सा यूज लगाओगे, बाई RHS क्राइटेरिया, ये भी इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इश्यू नंबर थर्ड है हमारे पास कि इन पीएसी एंड पीबीसी विच एंगल आर इक्वल, इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल इक्वल है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो ACP एंड BCP बोथ आर 90 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बीपीसी का मान क्या है, बीपीसी का वैल्यू क्या है, इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपीसी, देखो एक एंगल 90 है, दूसरा 60 है, और तीसरा अगर हम ये वाई है, बीपीसी मतलब वाई हो गया ना आपका, ये वाई दे रखा है और ये एक्स दे रखा है, तीनों का सम कितना होगा 180, तो 90 और 60 कितना होता है 150 प्लस y इक्वल टू 180, तो y क्या हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। एपीसी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीसी, वहां भी यही करोगे आप, यहां भी क्या है 30 डिग्री का इसका वैल्यू आ गया, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनिल इज अ मैथमेटिक्स टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन न्यू दिल्ली, अनिल क्या है, स्कूल में एक टीचर है मैथ का, आफ्टर पीरियोडिक टेस्ट थर्ड, पीटी थर्ड, पीरियडिक टेस्ट थर्ड होने के बाद ही कलेक्टेड द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, क्लास 9 के बच्चों का उसने क्या किया, नंबर कलेक्ट किया, एंड ही ऑब्जर्व दैट द लिस्ट मार्क स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इज 2 एंड मैक्सिमम मार्क स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इज 59, ही प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द कलेक्शन एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम, ओके। सबसे कम 2 मार्क्स आए हैं बच्चों का और सबसे हाईएस्ट 59 है, तो इसके हिसाब से इन्होंने हिस्टोग्राम कैलकुलेट कर लिया, यहां देखो नीचे कितने का गैप है 10 10 10, ऊपर कितने हैं 2 2 2 2 का गैप है। चलिए व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास का विड्थ कितना है ये हमें बताना है, तो अभी मैंने वही तो हमने अभी डिस्कस किया था, ऊपर फ्रीक्वेंसी है नीचे क्लास होता है, तो देखो 0 से 10 10 से 20 कितने गैप है 20 से 30, 10 का गैप है तो विड्थ कितना हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिस्टोग्राम, अगर आप इसको गौर से कैलकुलेट करोगे तो ये फर्स्ट वाला क्या है, ये है 2, उसके बाद अगर ये आप लोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, एंड ये अगर आप मिलाओगे इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाओगे तो 21 है ना, इसको आप मिलाओगे तो ये क्या होगा 19, इसको आप मिलाओगे तो थोड़ा सा ये 7 है, और ये क्या है लास्ट में ये वाला क्या है 1 है, अब इसको ऐड करो 9 7 16 17 18 20 का 0 कैरी 2 एंड 3 4 4 2 6 60, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मोर देन 50% एंड अबव मार्क्स, मतलब कितने बच्चों ने जो है 50% से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स तो क्या है 60 है, तो इसका 50% कितना हो गया 30, तो कितने बच्चों ने 30 से ज्यादा स्कोर किए हैं, तो ये हो गया 30 से ज्यादा वाले में ये और ये, इट मींस ये तीनों को जोड़ लो 19 और 7 कितने हो गए 26 एंड 27 बच्चों ने जो है 50% से ज्यादा स्कोर किए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 50%, मतलब 30 नंबर से कम,
तो ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कितना है, जोड़ लो अब इसको। अब क्या होगा, ये तीनों वाला पार्ट 21, 21 और 10 कितना होगा 31, 30, 33। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द कलेक्टेड मार्क्स, रेंज क्या है, सबसे ज्यादा नंबर आए थे 59 और सबसे कम नंबर आए थे 2, तो माइनस कर लो। माइनस करने के बाद क्या आएगा 57, एंड 57 इज रेंज। ओके नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आगे भी शेयर करें ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।